नमस्ते मेरे बच्चों, थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी एडिशनल लैंग्वेज मॉड्यूल 1 हिंदी पोएट्री ऑनलाइन क्लास 4 सूरदास एंड इंट्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, मैं आपको सूरदास के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सूरदास 15वीं शताब्दी के अंधे संत कवि और संगीतकार थे। हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति मार्ग में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में महाकवि सूरदास का नाम अग्रणी है। 15वीं शताब्दी के अंधे संत कवि और संगीतकार थे सूरदास। हिंदी के सगुण भक्ति मार्ग के कृष्ण भक्ति की प्रमुख कवि है सूरदास। सूरदास की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि सूर का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक गांव में हुआ। सूर की जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, विभिन्न राय है। इनमें से माना जाता है कि एक ईयर है 1478, सीही नामक गांव में हुआ। गांव का नाम क्या है? सीही। सूरदास की प्रमुख रचनाएं है सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। महाकवि सूरदास ने वल्लभाचार्य से ही भक्ति की दीक्षा प्राप्त की। श्री वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को सही मार्गदर्शन देकर श्री कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित किया। सूरदास के पिता का नाम रामदास था। सूरदास की प्रमुख तीन रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है सूर सागर। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, वे कृष्ण भक्त थे, इसलिए वल्लभाचार्य ने ही सूरदास जी को कृष्ण भक्ति की और सही मार्गदर्शन दिया और कृष्ण की और कृष्ण भक्ति की और उन्हें प्रेरित किया। सूर के पिता का नाम रामदास था। सूरदास की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति भावना का वर्णन मिलता है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस को अपनाया था। सूरदास ने अपनी कल्पना के माध्यम से, कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, श्री कृष्ण के अद्भुत बाल्य स्वरूप, उनके सुंदर रूप, उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। इसके अलावा सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है। सूरदास की रचनाओं में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति है। कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति है, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस को अपनाया था। उनकी कल्पना के माध्यम से कृष्ण के अद्भुत बाल्य स्वरूप, बाल्यलीला का वर्णन अद्भुत रूप से किए हैं। उनके सुंदर रूप, उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। कृष्ण की बाल्यलीलाओं का वर्णन अच्छी ढंग से सूरदास ने किया है। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलोक के प्रमाण मिलते हैं। पहले हमने पढ़ा 3 प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सबसे प्रमुख है सूर सागर और 2 भी है। कुल 5 ग्रंथ बताया गया है और है नल दमयंती और ब्याहलोक। सूर सागर सूरदास का सबसे मशहूर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का बखूबी वर्णन किया है। सूरदास के जन्म की तरह मृत्यु के बारे में भी कई मतभेद है। हमने पढ़ा है
जन्म के बारे में जो शंका है उसी प्रकार की शंका मृत्यु के बारे में भी है। सुदर्श ने भक्ति के मार्ग को ही अपनाया है। सुदर्श ने अपने जीवन के आखिरी पल ब्रज में गुजरे। कई विद्वानों के मुताबिक सूर का निधन 1642 में हुआ था। धन्यवाद। दिव्य सजित, हिंदी विभाग अध्यक्षा, KTCT महाविद्यालय, कलम्बलम।